मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और आज मैं बात करूंगा प्रियंका रेड्डी के बारे में जिनके साथ हादसा हुआ हैदराबाद में वेनसडे के दिन और हमारा साथ देंगे जाकिर साहब। जाकिर भाई ये बताइए कि जो प्रियंका रेड्डी का साथ जो हादसा हुआ वेनसडे पे कहानी कैसे शुरू हुई? डॉक्टर प्रियंका रेड्डी एक वेटनरी डॉक्टर हैं, एक 26 साल की लड़की हैं, डॉक्टर थी। सो इनको काम था कच्ची बोली जो हैदराबाद का एक इलाका है वहाँ पे शी यूज़ टू गो डेली। तो 6 बजे कच्ची बोली पहुँची। सो दिस वाज ऑन वेंसडे। सो यूजुअली व्हाट शी डज इज ये अपनी गाड़ी टू व्हीलर में जाते हैं, टू व्हीलर एक जगह पार्क करते हैं, उसके बाद कैब लेके कच्ची बोली जाते हैं। अच्छा। सो उस दिन भी ऐसे ही हुआ था, शी पार्क्ड हर बाइक एंड शी वेंट, क्योंकि शब ये जो क्लिनिक है और इनका जो जहाँ पे पार्किंग का एरिया है इसमें कुछ 40 मिनट का फासला है। ओके। सो शी यूज़ टू टेक अ कैब एंड गो। तब वापस जब आते हैं 9 बजे, 6 बजे पार्किंग करते हैं, शी कम्स बैक एट 9 o'clock, व्हेन शी राइड्स द बाइक देखते हैं कि पंक्चर हो गया बाइक। जी। तो एक दो आदमी आते हैं, अप्रोच करते हैं, लॉरी ड्राइवर्स हैं, एंड दे से कि आपका बाइक का टायर पंक्चर हो गया, क्यों ना हम मदद कर दें आपके लिए। इनिशियली ये रिफ्यूज़ करते हैं क्योंकि सुनसान इलाका है, बहुत सारे लोग नहीं हैं, ये सिर्फ चार पांच लॉरी ड्राइवर हैं। सो शी गेट्स सस्पिशियस एंड शी रिफ्यूजेस इट एंड इमीडिएटली उनके बहन को भी कॉल करते हैं कि ऐसा हुआ है और एक कुछ लोग हैं जो अप्रोच कर रहे हैं मदद करने के लिए, बट आई एम स्केर्ड। आई मीन इसका रिकॉर्डिंग जो है, ऑडियो का रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ है जहाँ पे ये बात कर रही है अपनी बहन से और बोल रही है कि मैं बहुत आई एम स्केर्ड, सो कीप टॉकिंग टू मी, जब तक मैं घर ना पहुँचूँ फोन पे बात करती रहूँ। तो बहन सेज दैट जहाँ पे हो वहाँ पे ही बाइक पार्क कर दो, कैब लेके वापस घर को आ जाओगे। एंड देन उसके बाद फोन कट हो जाता है। 15 मिनट के बाद बहन फिर कॉल करती हैं, लेकिन तब उनका फोन स्विच ऑफ होता है। सो उसके बाद 11 बजे तक फैमिली वेट करती है, 11 बजे तक भी प्रियंका घर को पहुंचती नहीं है। जब नहीं मोबाइल भी बंद है, मोबाइल भी बंद है, तो परेशान होता है। इसके बाद वहां पे पुलिस स्टेशन को अप्रोच करते हैं मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे पुलिस अनफॉर्चुनेटली इंस्टेड ऑफ टेकिंग द कंप्लेन और तहकीकात करने के अलावा इनको बोलते हैं कि लड़की है गई होगी किसी के साथ करके। दिस वॉज द वे रूडनेस जो पुलिस का जो अप्रोच था। ये सबसे बड़ा खराब आदत है पूरे सोसाइटी के अंदर। लड़की घर से बाहर निकली तो मतलब पहला थिंकिंग जाता है गलत टाइप की लड़की है। एग्जैक्टली। ठीक है, अब भाई अपना फैमिली चला रही है, बहुत सारे लड़कियां हैं जो अपने घर के पूरा घर चला रहे हैं। Exactly. ठीक है, लेकिन समाज के अंदर एक गंदगी दिमाग के अंदर घुसी है कि लड़की बाहर मतलब बच्चलन। Exactly. तो यही चीज आपने जो और बोला, एक डॉक्टर है, हाँ, ये जो आपने बोला दिमाग में डेफिनेटली आया होगा पुलिस के, अरे किसी के साथ घूमने गई होगी। सही। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अपने दिमाग से निकालना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यस। तो इनिशियली रेफ्यूज करते हैं, फिर 3 बजे जाके वो मिसिंग कंप्लेंट लेते हैं, 3 बजे रात को। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो गया होगा क्योंकि 7 बजे नेक्स्ट दिन जो थर्सडे का दिन है प्रियंका रेड्डी की जली हुई लाश उनको मिलती है एंड देन दे कॉल द फैमिली आइडेंटिफिकेशन के लिए। वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रियंका रेड्डी है। अच्छा। तो इस दरमियान हुआ क्या है कि जो लोग उनको अप्रोच किए थे लॉरी ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स, ये फोर्सिबली प्रियंका को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और एक जगह सुनसान जगह लेके जाके उनका रेप कर देते हैं। और जब रेप कर रहे होते हैं, एक जो रेपिस्ट है उसके मुंह, इस लड़की के मुंह पे हाथ रखता है, वो सफोकेशन में उनकी वहां पे ही डेथ हो जाती है। अच्छा। एंड देन डेथ होने के बाद उनकी लाश को अपनी गाड़ी में रख के एक अगेंस्ट उस कहीं अंडरपास की जगह जाके उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल के इनको केरोसिन डाल के बर्न कर देते हैं। अब ये बताइए कि ये जो लोग ड्राइवर का इसमें कितने लोगों का नाम है? 4 लोग हैं। 4 नाम क्या है इसमें? एक का नाम शिवा है, 20 साल का है, और एक 20 साल का नवीन है, एक मोहम्मद आरिफ है 26 साल का, और एक चेन्ना केशवलू कर गया वो भी 20 साल का। तो मतलब नाम से क्लियर कट जाहिर हो रहा है कि 3 हिंदू कम्युनिटी से और एक मुस्लिम है, लेकिन यहाँ तो जबरदस्त राजनीति चल रही है सोशल मीडिया में, यहाँ चल रहा है हाईलाइट करते हैं मोहम्मद, ये लोग इसी टाइप के लोग हैं। इतने गंदगी हो गई है इस सोसाइटी के अंदर। आप ये जो ट्वीट है, हैशटैग है, इट्स शॉकिंग। आई मीन इतना बिगेटरी, इतना नफरत है मुसलमानों के खिलाफ।
हैशटैग देखे, ये पब्लिक की नफरत नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये आईटी सेल इसीलिए है, ये आईटी सेल से आईडी सब क्रिएट करके मतलब नफरत फैलाओ, इंसानियत की बात नहीं हो रही। एग्जैक्टली, यहाँ कोई भी पॉलिटिशियन खड़ा होकर नहीं बोल रहा है कि अमित शाह होम मिनिस्टर वेयर आर यू, पीएम तुम कहाँ हो यार, सामने आओ, कुछ लॉ बनाओ, ऐसा कितने हादसे होते रहेंगे और कब तक होंगे। उस नेक्स्ट दिन और एक बलात्कार भी हुआ, और एक रेप भी हुआ हैदराबाद में, समथिंग सिमिलर। अब ये सारे लीडर कहाँ, मैं बोल रहा पूरे हिंदुस्तान की, ये मतलब एक लड़कियों की औरत की कोई इज्जत रही नहीं है। और हो क्या रहा है कि इतना आसानी से लॉ से खेला जा रहा है कि लोगों को डर नहीं है। अरे क्या कर लोगे, पकड़ लोगे, अंदर डाल दोगे, थोड़े दिन रखोगे, बेल मिलेगा, छूट जाएंगे। सही, तो नोबडीज फियर अबाउट दैट। एग्जैक्टली, तो मैं ये बोलता हूँ क्या ये बात अमित शाह को नहीं दिखा देते, उनको बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, कश्मीर, 370, इसी में खेल रहे, लेकिन आप सेफ्टी नहीं देना चाहते। और हमारे राजनेता लोग, राजनीतिक लोग हैं, ये अपना गेम शुरू कर देते। सही, ये जनता को समझना पड़ेगा, ये आईटी सेल का गेम है। इसमें आप जो ट्विटर की बात कर रहे थे, चलो पढ़ के दिखाइए कैसे कैसे हैं। कल पूरा दिन ट्विटर पे यही यही चल रहा था, एंड हैशटैग देखिए, बलात्कारी मोहम्मद निकला, मतलब उसका एक एक बंदा था जो मुसलमान है, उसका पहला नाम ले लिया मोहम्मद, एंड दे टेलिंग के बलात्कारी मोहम्मद है। और तो मतलब दो कम्युनिटी में इस किसी की लड़की का रेप हुआ है, जलाया गया है, लेकिन आप इसको नफरत फैलाने का यूज कर रहे हैं। और मैं पढ़ के दिखाता हूँ कुछ। सावरकर रोट ओवर 100 इयर्स अगो अबाउट मुस्लिम गैंग्स, दीज गैंग्स लेड बाय इस्लामिस्ट विल रिक्रूट एंड कन्वर्ट हिंदूज बिसाइड्स स्पेसिफिकली टारगेटिंग हिंदू वुमेन, सेम स्टोरी इन दिल्ली एंड नाउ मॉडर्न हैदराबाद। मतलब सावरकर लिखा था कि मुसलमान ऐसे हैं, वही रिपीट हो रहा है। ये तो आईटी सेल का गेम है, आईटी सेल का गेम है। और एक है, ऑल हीनियस क्राइम्स देयर इज ओनली वन रिलीजन एंड दैट इज इस्लाम, मतलब जितने भी क्राइम है उसके पीछे एक ही एक मजहब है, वो इस्लाम है। और एक देखिए, मोहम्मद पाशा एंड हिज गैंग रेप्ड प्रियंका रेड्डी एंड बर्नड अलाइव, हैदराबाद इज नॉट पाकिस्तान बट अ मुस्लिम डोमिनेटेड सिटी, दिस इज अ मैसेज टू हिंदूज ऑफ द कंट्री दैट यू कांट स्टे विद अस। मतलब हैदराबाद एक मुस्लिम इलाका है, और ये जो रेप है ये हिंदुओं के लिए एक लेसन है कि आप हमारे साथ रह नहीं सकते। इनको शर्म नहीं आती है, ऐसे गंदे लोग हैं कि हर चीज में राजनीति, हर चीज में लड़वा दो। और कमाल की बात है, मैं ऐसे मीडिया को बोलता हूं, ऐसे चीजों को हाईलाइट नहीं करते। Exactly. ये सारे लोग पैसे पे बिके हुए हैं, और मीडिया भी क्या बोल रही है, बोल रही है कि मोहम्मद एंड हिज गैंग, मोहम्मद एंड हिज गैंग, ये वही ना, पैसा मिल रहा है ना। Exactly. पैसा लेके जो बोल रहा है, मतलब कब तक तुम नफरत फैलाओगे यार। सही. किसी के घर में किसी की बेटी और किसी के बहन में उसका रेप होता है और जिंदा जला दिया जाता है, और तो उसके ऊपर भी तुम लोग राजनीति कर रहे हैं। और कमाल की बात है, पीएम नहीं बोल रहे हैं कुछ, ना वहां का सीएम कुछ बोल रहा है, ना अमित शाह बोल रहे हैं, वहां के डिप्यूटी सीएम बोले। एंड उनका कमेंट ये था कि प्रियंका, आई मीन ये जो डॉक्टर हैं, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द सिस्टर शी शुड हैव कॉल्ड द पुलिस, पुलिस को कॉल नहीं किया, इतना इनसेंसिटिव है। अगर कुछ परेशानी है तो पहले तो फैमिली को फोन करेंगे ना। अरे उसको क्या मालूम था कि exactly. वो क्या भगवान है exactly. उसको कि जमा आ गया कि अभी तुम्हारा रेप होने वाला, अभी तुमको जला देंगे। सही. बात यह है कि अनपढ़ जाहिल सीएम बनेंगे तो ऐसे ही बात कर सकते हैं, डिप्यूटी सीएम ऐसे ही बने, ऐसे ही आवाज निकलेगी। तो बात यह है कि हमें ये बोलना था, जाकिर भाई देखिए, जब तक हमारे लोग नहीं जागेंगे और हम अपने में लड़ना नहीं बंद करेंगे, पहले अंग्रेज हमारे ऊपर आके हुकूमत किए और हमारे लोग हमको बेवकूफ समझ के हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत शर्म की बात है। और मैं ये बोलता हूँ, हमारी मीडिया छोटी है, अगर आप सभी एक पिटीशन लिखना चाहते हैं हमारे साथ जुड़िए, और हम इस आवाज को नहीं दबने देंगे। ये मैं क्यों कर रहा हूं आवाज उठाने के लिए, क्योंकि देखिए ऐसा है कि इनको नहीं छोड़ना चाहिए, शायद हम सब मिलकर अगर आवाज को उस वक्त तक उठाते रहें जब तक इनको सजा ना मिले। और सजा क्यों, आप देखिए, जब आपको पता चल गया ये चार लोग शरीक हैं और इसका प्रूफ हो चुका है, तो डिले क्यों? आप जब अपना काम इतना जल्दी कर लेते हैं तो इसको जल्द से जल्द विद इन 24 और 48 आवर्स, एक हफ्ते के अंदर ज्यादा से ज्यादा इनको फांसी देना चाहिए। क्योंकि राजनीति खेलने के लिए आप दिन रात अपना कोर्ट और अपने पार्लियामेंट को खोल सकते हैं, तो फैसला देने के लिए क्या दिन रात कोर्ट को नहीं खोला जा सकता? इंडियन मीडिया बुक लेटर लिखेगी, पीएम से बात करेगी,
सीएम से बात करेगी और होम मिनिस्टर से बात करेगी, जितनी हमारी ताकत है हम इसको यूज करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये सोचता हूँ छोटी भी आवाज बहुत बड़ी हो सकती है अगर आप सब मिलके करेंगे। ये कब तक आप लोग चुप बैठेंगे? ये आप लोगों की गलती है, हमारी गलती है, मिलके आवाज उठाना पड़ेगा। इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। बार बार आप देखिए हर दूसरे दिन ये काम हो रहा है, लेकिन ये हम सभी को हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में लगे हुए हैं। शायद कहीं हमको इससे ऊपर बाहर निकल के नई हिंदुस्तान बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच।